हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं मुंबई टू चालीसगांव सोलो राइड करके गया था। सोलो राइड करने के बाद में जब वहाँ पहुँचा तो मैं रेस्ट किया। एक्चुअली वहाँ मेरा फ्रेंड रहता सचिन, और उसने मुझे सजेस्ट किया था चालीसगांव आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आसपास में बहुत सारे अच्छे पॉइंट से जहाँ हम लोग घूम सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद मैं भी चाहता था कहीं अच्छे प्लेसेस पर घूमूँ, तो मैं डिसाइड किया जाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में निकले पाटना देवी टेम्पल। वहाँ पे बहुत ही फेमस है पाटना देवी टेम्पल, और उसके पास में है कुबेर कुंड करके वाटरफॉल। लेकिन हम लोग का लग अच्छा नहीं था कि वो वाटरफॉल उस समय चालू नहीं था, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। बारिश की वजह से जो पानी है वो वाटरफॉल से गिरता है, वो सब वाटरफॉल से। तो फिर हम लोग, लेकिन वाटरफॉल बहुत अच्छा था, तो हम लोग वाटरफॉल पर गए। उसके बाद उसके पास में एक और है पित्तल खोरा केव्स, वो भी बहुत ही फेमस है, गौतम बुद्ध के समय पे बना हुआ था। तो केव्स हम लोग गए वहाँ पे, और केव्स जो बहुत था पहाड़ी बहुत ऊपर था, तो हम लोग को ऑलमोस्ट ट्रैकिंग करना पड़ा। तो आगे चल के आपको दोनों मिलेंगे देखने के लिए, कुबेर कुंड वाटरफॉल साथ में पित्तल खोरा केव्स। तो आप यूट्यूब पर बने सॉरी आप चैनल पर बने रहिए देखने के लिए। वन्य विभाग औरंगाबाद बोलेगा, मैं गया 40 और औरंगाबाद से शूटिंग लिया। सावधान, क्या यहाँ है नो एंट्री अंतरिक्ष क्या अति संरक्षित जोन कोर जोन। ठीक है चलो हम चलते हैं, अब देखेंगे अंदर क्या क्या है। ये बहुत ही घना जंगल, मैन वर्सेस वाइल्ड। ये जो आप देख रहे हैं इमली जैसा, इसको बोलते हैं खुजली पौधा। इसको आप किसी को टच कर देंगे तो उसको इतना खुजली होगा। ये देखो, ये देखो, ये जंगली इंसान देखिए क्या खा रहा है, ध्यान से देखिए। ये है मैन वर्सेस वाइल्ड। यहाँ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेड़ है। देखिए ये बंदा फूल भी खा रहा है, जूस, उसका जूस निकाल रहा है फूल का, मधुमक्खी का। ये तो मधुमक्खी बन गया भाई, शहद भी निकालेगा उसमें से। इमली का पेड़, यह इमली का पेड़ ऐसे जाके यूटर्न है। जाने दो, हम इतने खतरनाक जंगलों में नहीं जा सकते। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पानी नहीं है, पानी में आ रहा हूं। ओके चलो देखते हैं हम डैम, ऐसा डैम है। ये लग रहा है लकड़ी का, लेकिन बनाया गया है पत्थर का। ओहो, ये देखिए वो जो दिख रहा पहाड़, वो दोनों पहाड़ों के बीच में से वाटरफॉल बहता है जब बारिश का मौसम होता है, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है इसलिए वाटरफॉल बंद है। ये देखिए जो वाटरफॉल से पानी आता है, ऐसे आके ऐसे ये नीचे ऐसे जाता है, लेकिन इस समय वाटरफॉल नहीं इसलिए पानी बहुत कम है, लेकिन आ रहा है पानी, स्लो स्लो पानी आ रहा है, देख सकते हैं अब दीवालों पर से आ रहा है।
से क्यों उस पे जा रहे, कि उसका नाम क्या है? पित्तलकोरे। पित्तलकोरे ठीक है, हम लोग जा रहे हैं पित्तलकोरे। गौतम बुद्ध के केव है जमाने। ओके ठीक है, हम लोग उसके उस पे जा रहे हैं। देखिए कि उस पे जाने का रास्ता ही सेम वैसी जैसे प्रीवियस रास्ता था जंगलों के बीच से, दूसरा रास्ता निकलता है। ओके तो ओके, ये थोड़ा लंबा है। ओके वी विल बी कंटिन्यू। ओके चलिए, अभी थोड़ा धूप आ गया तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ थोड़ा। अच्छा जब जब कुछ अच्छा नज़ारा आएगा मैं चालू करूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही थक चुका हूँ। ये आज की ट्रैकिंग बहुत हेल्दी ट्रैकिंग ही पड़ने वाली है, रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। आप लगा लीजिए हम ट्रैकिंग। अभी वो और चढ़ना है, देख सकते हैं कितना नज़ारा है, चारों तरफ घना जंगल, एक भी आदमी नहीं है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। वो देख यहाँ से कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है।